तो आप मेरे कैमरे पे देख सकते हो, ये दो शख्स बैठे हैं, काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद ये अपना खाना की पूर्ति कर पाए हैं। तो एक बार मिलवाते हैं इन भैया से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बोलू। क्या बना रहे हो भैया ये? क्या बना रहे हो? खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हो? ये लिट्टी टाइप का। तो यहाँ पर बना रहे हैं भैया लिट्टी और चोखा। लिट्टी चोखा या फिर रोटी और बैगन का भरता, कुछ भी कह सकते हो आप इन्हें, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये आटे की है ना भैया? हाँ, आटे की गेटली, और साथ में बैंगन है और साथ में टमाटर है। तो ये बिल्कुल भाई गांव की फीलिंग आ रही है हमारे यूपी बिहार की। हमारे यूपी बिहार में भी गांव में कई बार ऐसे बनाया जाता है ना भैया? बिल्कुल भाई। और ये आप देख सकते हो, इसके नीचे इन्होंने लकड़ी का कोयला रख रखा है, और साथ में कुछ बैंगन है और टमाटर है, और यहाँ पर लिट्टी टाइप की कुछ लोइया बना रखी है जो कि इन आग के ऊपर सेकी जा रही है। हाँ, लकड़ी को जला रखा है और कोयला बना के और उसके ऊपर सेक रहे हैं आराम से। मतलब कम बजट का काम है, गैस चूल्हा नहीं होता है तो। अच्छा, गाँव से आए हो क्या भी अभी? हाँ। कहाँ से? राजस्थान से। तो दिल्ली में आना कैसा हुआ आपका? गंदा पानी के लिए आना हुआ। गंदा पानी के लिए आना पड़ा। तो जॉब वॉब नहीं मिली कहीं आपको? अभी तो नहीं मिली। अभी नहीं मिली, तो उम्मीद करते हैं आपको जॉब जल्दी मिल जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये भैया जी काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ। और अगर किसी भाई के पास नौकरी वगैरह खाली हो तो भैया को ज़रूर बताएँ, एड्रेस हम वीडियो के एंड में बता देंगे आपको। इसमें हाथ नहीं जल जाता है कई बार? चलता है ना, जल जाता है कई बार हाथ वगैरह जलता है, पर क्या करें क्योंकि काफी गर्म है, हमारे आंख में भी आ रहा है क्योंकि हल्का हल्का खाना पड़ेगा तो सब कुछ दूर है। खाने के लिए सब करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा मैडम जी ने, खाने के लिए सब करना पड़ेगा भाई। तो हमें देखने के लिए बच्चों की भीड़ भी लग चुकी है। तो अभी और इसको कितना देर तक पकाना पड़ेगा भैया? अभी तो आधा घंटा और पकाना पड़ेगा। आधा घंटा पकेगा ये? इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसका क्या बनेगा भैया? ये चटनी, बैंगन की चटनी। तो बैंगन की चटनी के लिए सारे के सारे बैंगन बिल्कुल भाई क्या हो चुके हैं? ये भुन चुके हैं, पक चुके हैं। और ये साथ में ये आटे का है और ये आलू है। ये आलू बैंगन की चटनी में मिक्स होगा और ये आटे का गठली बन रहा है। गठली क्या बोलते हैं इसे? बाटी। आटे की बाटी। और ये बाटी के साथ खाओगे बैंगन को? अच्छा अच्छा। तो ये तैयार हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जो जो सीख जा रहा है ना उसे निकाल के भैया प्लेट में रख दे रहे हैं और बाकी इसको भी बनाएंगे। अच्छा, ये आटे की जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये बाटी सीख गई है उन्हें, भैया इसमें रख रहे हैं और ये तैयार होने वाली है। लीजिए आप, ठीक है। और ये फिर अभी बना के खाओगे इसे? हाँ।